अगर आप एक ऑप्टिशियन हैं तो आपको ऑटो रिफ्रैक्ट्रोमीटर मशीन के बारे में जानकारी जरूर होगी। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं फटाफट आपको बता दूं कि ऑटो रिफ्रैक्ट्रोमीटर मशीन एक्चुअल में होता क्या है। इसको जनरली AR मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक आई टेस्टिंग करने वाली मशीन है। अगर आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं तो आप अपने शॉप में ऐसे मशीन रखे होंगे। तो आज मैं इसको बताने वाला हूँ कि इस मशीन का यूज कैसे किया जाता है, इसके विभिन्न जितने पार्ट्स होते हैं उसका नाम क्या होता है, इसको हम कैसे बता सकते हैं कि ये वर्क कैसे करता है और आप इसको ऑपरेट करने में आपको बड़ी आसानी होगी। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं और साथ में मैं बताऊंगा कि इसको आप मार्केट में कहां से परचेस कर पाएंगे, इसकी मार्केट प्राइस क्या है, इसको वर्क इसके साथ आप कैसे वर्क कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए बने रहिए ओम टॉक चैनल में और देखते रहिए हमारा ये ऑटो रिफ्रैक्ट्रोमीटर मशीन वाला नया वीडियो। वेल फ्रेंड, जब से ऑटो रिफ्रैक्ट्रोमीटर मशीन आया है मार्केट में तब से आई टेस्टिंग के जो टाइम जो कंज्यूम होता है उसको काफ़ी कम कर दिया गया है। बहुत ही कम समय में आप जो है आई टेस्ट कर पाते हैं और 90% एक्यूरेसी है इसका नंबर में, यानी कि आंखों से जो नंबर निकलता है 90% इसमें एक्यूरेसी माना जाता है और बहुत ही अच्छा विजन है इसका। साथ ही एक्सिस की बात करें तो पूरा एक्सिस जो है एक्यूरेट रहता है, चाहे पावर ऊपर इतनी नीचे थोड़ा बहुत रहे लेकिन जो एक्सिस है वो एक्यूरेट होता है। कई बार मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं कि सर जो AR मशीन से जो नंबर हमको मिलता है क्या डायरेक्टली उसी से हम ग्लासेस बनवा दें? तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि डायरेक्टली आपको उस ग्लासेस में बना के नहीं देना है किसी भी कस्टमर को, आपको मैनुअल टेस्ट करना है। यानी कि अगर आपके पास इस टाइप के नंबर आते हैं, यानी कि -1 में -0.75 सिलेंडिकल और एक्सिस 60-50 जो भी आता है, अगर ये नंबर आपको AR मशीन से मिल रहा है तो आपको इसको एक बार मैनुअल टेस्ट करना है। अब मैनुअल टेस्ट कैसे करना है आपको, इसमें से सीधा सीधा 0.5 नंबर आपको कम करके ही दिखाना है और कोशिश करना है कि सिलेंडिकल नंबर को तो शुरू में दिखाना ही नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि AR मशीन जो है डायरेक्ट एक स्कैनर है, वो आपकी आँखों को पेशेंट की आँखों को पूरा स्कैन कर देता है, वो उन चीज़ों को भी रीड कर लेता है जिनको फिलहाल हमको उतनी बारीक चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए कोशिश करेंगे अगर सिलेंडिकल नंबर कम है तो सिलेंडिकल नंबर को डायरेक्टली पेशेंट को ना दिखाए। कहने का मतलब है यहाँ अगर आपको -1 में -0.75 सिलेंडर है तो सिलेंडर को फिलहाल के लिए रोक दें, आपको दिखाना है डायरेक्टली -0.5, एक भी 1 भी नहीं दिखाना है आपको। उसके बाद थोड़ा सा स्पेरिकल आप बढ़ा दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि इसमें अगर क्लियर हो रहा है पेशेंट को तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तब जाके आप सिलेंडर नंबर को पेशेंट को देना है ताकि उसको क्लियर दिख सके। तो इस हिसाब से आपको मैनुअल टेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आगे जानते हैं कि जो हमारा AR मशीन है उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं, उसको कैसे जाना जाता है, कौन सा पार्ट क्या वर्क करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। चलिए मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हमने पूरे नंबर के साथ आपको दिखाया हुआ है, जैसे कि मेजरिंग हेड है 1 नंबर में, 2 नंबर में आप देखेंगे कंट्रोल बटन है, LED मॉनिटर होता है, मेजरमेंट स्विच है, कंट्रोल लेवल है, क्लैपिंग नॉब है। इस टाइप के इसके जितने भी पार्ट्स है आप इस वीडियो में देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि आप इसको कैसे यूज करना है और कैसे इससे इसको ऑपरेट किया जाता है। वेल फ्रेंड, अब बात आती है इसकी मार्केट प्राइस की और आप यहाँ इसको कहाँ से परचेस कर पाएंगे। तो परचेस करने के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई है कि ऑप्टिकल शॉप इंस्ट्रूमेंट आप कहाँ से ले पाते हैं, कितने प्राइस है और भी बहुत चीज़ों के बारे में हमने बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में जाकर वीडियो देख लीजिए और आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है आप वहाँ से परचेस कर पाएंगे। फिलहाल इसकी जो प्राइस की बात है तो ये आपको मार्केट में 75,000 रुपये से लेकर 1,40,000 तक के अवेलेबल है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्राइस होते हैं, अलग अलग स्टेट के टैक्स अलग होते हैं, इसलिए आपको प्राइस जो है ऊपर या नीचे मिल सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ ऑटो रिफ्रैक्ट्रोमीटर मशीन के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल बटन को भी दबा दें ताकि हर टाइप की लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।